अब तक अपने पत्ता कभी से बना बहुत कुछ आइटम बना चुकी होगी और खा भी चुकी होगी। अब तो इसका मौसम चल रहा है और वो बहुत ज़्यादा मार्केट में मिल रहा है। सर्दियों में पत्ता कभी बहुत आता है और हम इसे खाने में भी बहुत पसंद करते हैं। खास बात ये है, ये रेसिपी जब आप मार्केट में जाकर खाएंगे ना, ये बहुत ही महंगा मिलती है। अक्सर लोग इसे खाने में पसंद करती है, लेकिन आप घर पर इस तरह से एक बार बनाइए, आपको कभी भी मार्केट जाना नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल और इजी आइडिया है और खर्चा भी बहुत ही कम है। तो देरी किस बात की भाई, चलते हैं फटाफट शुरू करते हैं पत्ता गोभी की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने एक पत्ता गोभी लिया है और लगभग 200 से 300 ग्राम है। अभी का मौसम में पत्ता गोभी के अंदर में कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं है और बिल्कुल साफ है। पत्ता गोभी को मैंने इस तरह से कट कर लिया है और घिसने के लिए मैंने एक इस तरह से कद्दूकस लिया है। इस कद्दूकस की मदद से हम पत्ता गोभी को घिस लेंगे। आप चाहे तो इसे चॉप कर सकती है। इस तरह से मैंने सारे पत्ता गोभी को घस लेंगे। देखिए, मैंने पत्ता गोभी को घस लिया है। इसके साथ साथ मैंने दो गाजर को भी घस लिया है। इसे भी उसके साथ मिक्स कर देंगे। और एक कॉलीफ्लावर, ये कॉलीफ्लावर को भी मैंने इस तरह से घस लिया था, एक छोटा वाला कॉलीफ्लावर, इसे भी इसे हम मिक्स कर देंगे। और दो मीडियम साइज की प्याज को भी मैंने इस तरह से चॉप कर लिया था, इसे भी इसके साथ मिक्स कर देंगे। और ये सब को आवश्यक से ज़्यादा नमक देकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। क्यों ज़्यादा नमक देंगे यह हम आगे पता चल जाएगा। इस तरह से मिक्स करके हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे होगा क्या, पत्ता गोभी, गाजर, प्याज को जितना भी पानी छोड़ना था वो नमक की वजह से पानी छोड़ देंगे और हमको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, हमारा रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगा। देखिए फ्रेंड, 5-7 मिनट के बाद इसमें काफ़ी सारी मॉइस्चर आ गए हैं, ये पानी छोड़ दिया है। वो पानी को अभी हम एक छानी में छान लेंगे। यदि आपका पास इस तरह का छानी नहीं है, आप एक स्वच्छ कपड़ा से इसे छान सकती है। इस तरह से दबा दबा कर इसका अंदर जितना भी पानी है हम इसे निकाल देंगे। देखिए कितना पानी हो गया है, ये देखिए इस तरह से एकदम ड्राई हो गया है। यह हमारा रेसिपी के लिए एकदम परफेक्ट है। हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और यहाँ पर मैंने कुछ धनिया का पत्तियाँ कट करके रखा था, इसमें डाल देंगे। और इसके साथ साथ हम 2 या 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर, नहीं तो मैदा, आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो मैदा भी आप यूज कर सकती है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, यदि मैदा या कॉर्नफ्लोर आप ज़्यादा यूज कर लेती है तो ये रेसिपी हार्ड हो जाएगा और सॉफ्ट नहीं होगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यदि आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। आपका कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कॉर्नफ्लोर यूज करने के बाद आप इस तरह से बॉल बनाकर देखिए, यदि आपका बॉल परफेक्ट हो रहा है तो ये ठीक है, यदि नहीं हो रहा है, बिखर रहा है, तो आप इसे और कॉर्नफ्लोर यूज कर सकती है। बॉल हम एकदम बड़ा कि एकदम छोटा नहीं करेंगे, इस तरह से मीडियम साइज से करेंगे। ये देखने में जितना सुंदर लगता है, खाने में भी इतना ईजी है। इस तरह से हम सभी बॉल बना लेंगे। इसके लिए अभी हम और एक प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच टमाटो सॉस, 2 चम्मच चिली सॉस और 2 चम्मच सोया सॉस लिया है और सभी को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, एक तरफ रख देंगे। सोया सॉस जो है ना, ये रेसिपी में बहुत अच्छा तरह से कलर आती है। और एक बाउल में हम जो छान कर रखा था पानी को लेंगे और इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। वो दो चीज़ों को हम आगे रेसिपी में यूज करेंगे। अभी चलते हैं हम गैस के तरफ। गैस में एक कढ़ाई बसाकर इसमें डाल देंगे हम तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा, हमने यहाँ पर जितने भी बॉल तैयार करके रखा था वो बॉल को इसमें छान लेंगे। ध्यान देना होगा, तेल हमारा बहुत अच्छा तरह से गर्म होना चाहिए, नहीं तो ये बॉल फट जाएगा और तेल में बिखर जाएगा। इस तरह से एक एक करके हमें सभी बॉल को छान लेंगे।
मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक हम इस तरह से इसे उलट पलट करेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से सुनहरा हो जाएगा और अंदर तक सेक जाएगा। मैं फिर से आपको याद कर देता हूँ, यदि आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकती है। देखिए हमारा बॉल बहुत अच्छी तरह से सुनहरा हो गया है और ये अंदर तक भी बहुत अच्छी तरह से सेक गया है। अभी हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और हमारा पास जितने भी बॉल था हम इसे भी फिर से छान लेंगे। यदि अब तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और साथ में एक बेल आइकन है उसे भी दबा देना ताकि हर नया वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। अभी हमने फिर से कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल गरम कर लिया था और इसमें डाल देंगे हम हाफ चम्मच जीरा। इसके साथ साथ बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ 2 बड़ा साइज का प्याज और बारीक कटा हुआ 3-4 ग्रीन चिली और सभी को हम इसमें डाल देंगे और एक चम्मच नमक देकर हम इसे मिक्स कर देंगे। प्याज को हम कच्चा रखेंगे, प्याज को एकदम सुनहरा नहीं करेंगे। अभी हमने 2 शिमला मिर्च को इस तरह से कट करके रखा था और शिमला मिर्च को भी इसमें डाल देंगे। अभी मैंने यहाँ पर कुछ मसाला ऐड करेंगे। इसमें कलर अच्छा आने के लिए 1/2 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर और 2 चम्मच जीरा का पाउडर और सभी को मिक्स कर देंगे। और अभी हम इसमें डालेंगे हम जो तैयार करके रखा था हमारा सॉस और कॉर्नफ्लोर को घोल और सभी को मिक्स करके हमें 1 से 2 मिनट तक इसे घोल लेंगे क्योंकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन होता है वो चला जाएगा। और आप देख सकती है एक थिकनेस आ गई है, जैसे कि सूप में होता है ना, इस तरह की थिकनेस आ गई है। अभी हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ कुछ धनिया और उसको साथ साथ ये ग्रीन ऑनियन। ये ग्रीन ऑनियन ना ऑप्शनल है, आपका पास नहीं है तो आप नहीं ले सकती है। ये मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि इससे पकाने से ये थोड़ा सा ग्लैमर आ जाएगा। अभी हम इसमें डालेंगे हम जो छान कर रखा था हमारा मंचूरियन। हाँ भाई, ये मंचूरियन है, जो मंचूरियन को हम मार्केट में बहुत महंगी में खाती है, लेकिन आप घर पर इस तरह से बनाकर ट्राई कीजिए, ये मार्केट से भी ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। इसे बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी बाहर का चीज़ आवश्यक नहीं, घर में जो भी जो चीज है ना इसी से ये बनता है। अभी मैंने इसमें कुछ काला नमक ऐड करेंगे। नमक हम अभी ज़्यादा नहीं यूज करेंगे क्योंकि नमक हम पहले भी यूज किया था और सॉस में भी थोड़ा सा नमक है। देखिए यदि आपको मंचूरियन ड्राई खाना पसंद है तो आप और 2-3 मिनट तक इस तरह से चलाएंगे तो ये एकदम ड्राई हो जाएगा, नहीं तो आप यदि इस तरह सा खाना पसंद करती है तो अभी आप गैस को बंद कर देंगे। ये हो गया हमारा मंचूरियन। तो दोस्तों मंचूरियन खाना आपको पसंद आता है, हो गया तो हमारा होटल स्टाइल का एकदम परफेक्ट मंचूरियन। अभी हम इसको सर्व करेंगे। धनिया का पत्तिया और ग्रीन ऑनियन से हम इसे सजा देंगे। देखिए हो गया ना हमारा होटल स्टाइल का मंचूरियन। ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट है, सच में आप इस तरह से एक बार ट्राई कीजिए और देखिए आपका घर में सब खुश होकर खाएंगे। मंचूरियन का नाम सुनते ही लोग ये सोचते हैं मंचूरियन तो हम घर पर नहीं बना पाएंगे, उसको तैयार करना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन भाई कोई भी मुश्किल नहीं है। देखिए तो बहुत ही सिंपल और इजी आइडिया है ना, ये आप घर पर इसे बहुत ही आराम से बना सकती है। मिलते हैं फिर एक नया आइडिया के साथ। टेक केयर, बाय बाय।